या अय्युहा लज़ीना आमनू ला तक़ूलू ला इलाहा इल्ला अल्लाह व क़ूलू ज़ुर्ना वस्मऊ। अब एक और मिसाल उनकी, वो तो थे मुनाफिकीन बनी इसराइल जिनका जिक्र हुआ, समिअना व अता'ना। अब यहां ये मुनाफिकीन जो यहां पर मुसलमानों में शामिल हो गए थे, यहूद के ज़ेरे असर लोग, और आ गए मुसलमानों में भी, अब उनका मामला क्या था? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते थे तो जैसे होता है आपने कोई बात फरमाई, तो अगर फर्ज कीजिए कि इधर के लोगों ने नहीं सुनी, बात समझ में नहीं आई, तो वो उनसे दरख्वास्त करते थे, रायना हुजूर जरा हमारी रियायत कीजिए, बात को दोबारा दोहरा दीजिए, हमारी समझ में नहीं आया। अब उसका वो क्या करते थे यहूदी, या ये उनके यहूदियों के जेर असर मुनाफिकी, रायना ए हमारे चरवाहे, वो जाके दिल में खुश हो रहे, खबासत नफ्स उसको गिजा मिल रही है, हमने तो रायना कह दिया, किसी ने अगर टोक दिया, बाबा मैंने रायना कहा था, मालूम होता है आपकी समाज में कोई खलल पैदा हो चुका है। ये अंदाज तो मुसलमानों से कहा जा रहा है, ये वाहिद आयत है इस पूरे सिलसिले में जिसमें खिताब या अय्युहा लज़ीना आमनू से है, लेकिन असल में रूए सखुन अब भी बनी इसराइल की शरारत है। या अय्युहा लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना व क़ूलू ज़ुर्ना वस्मऊ। देखो तुम इस लफ्जी को छोड़ दो, अहले ईमान तुम मत कहा करो रायना, तुम कहा करो उन्ज़ुरना, ए नबी हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए या हमें मोहलत दीजिए। नजर के दोनों मानी है, देखना हमें देखिए, और इंतजार भी इसी से बना है, जरा सी मोहलत दीजिए। वस्मऊ और उसे यह कि तवज्जो से सुना करो ताकि दोबारा पूछने की जरूरत ही पेश ना आए। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और इन काफिरों के लिए तो दर्दनाक अज़ाब है। मा यबुद्दुल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वलिल मुश्रिकीन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम, और नहीं चाहते वो लोग कि जिन्होंने कुफर किया है अहले किताब में से और मुश्रिकीन में से भी, कि नाजुल हो तुम पर कोई भी खैर तुम्हारे रब की तरफ से। यह अहले किताब भी और मुश्रिकीन मक्का भी ये जल रहे हैं हसद में, हसद की आग में, कि यह कलाम पाक तुम्हें क्यों दे दिया गया, यह आखिरी मनसब नबूवत का जो है खातमुन नबीयीन, यह मनसब जो है यह इन्हें क्यों मिल गया। वो नहीं चाहते कि कोई भी खैर अल्लाह की तरफ से तुम्हें मिले। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, हालांकि यह अल्लाह का प्रेरोगेटिव है, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह खास कर लेता है अपनी रहमत के लिए जिसको चाहे, यह उसका फैसला है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। मा नंसख मिन आयतिन अव नुंसिहा नाति बिखैरिन मिन्हा अव मिस्लिहा, हम नहीं मनसूख करते किसी भी आयत को या उसे भुलवाते। एक तो है नंसख, मनसूख कर देना, एक है हाफजे से ही किसी के महव कर देना। मा नंसख मिन आयतिन अव नुंसिहा नाति बिखैरिन मिन्हा, तो हम उसकी जगह पर उससे बेहतर ले आते हैं, अव मिस्लिहा या वैसी ही ले आते हैं। अलम तअलमन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, क्या तुम ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, उसे हर शय का इख्तियार है। अलम तअलमन अल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह के लिए ही इख्तियार मुतलक है, बादशाही है आसमानों और जमीन की। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई भी न वली और न मददगार। आपको मालूम है कि अल्लाह का दीन आदम से लेकर ईं दम तक एक ही है। नूह का दीन, मूसा का दीन, ईसा का दीन, मोहम्मद का दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लतु वसल्लम, दीन एक ही है। शरीयतों में फर्क रहा है, और ये फर्क जो रहा है उसका असल सबब यह है कि नौ इंसानी मुख्तलिफ एतबारात से इर्तिका की मराहिल तय कर रही थी। ज़हनी पुख्तगी, शऊर की पुख्तगी, फिर सोशल एवोल्यूशन, तमद्दुनी इर्तिका, ये मुसलसल जारी था। लिहाजा उस इर्तिका के जिस मरहले में रसूल आए उसी की मुनासबत से उनको तालीमात दे दी गई। इनमें वो हिस्से भी थे कि जो इटर्नल हैं, जो हमेशा रहेंगे, और ऐसे भी थे कि जो उस जमाने की मुनासबत से थे। अब जब अगला रसूल आएगा तो जाहिर बात है कि उनमें से कुछ चीज़ों में तगैर तबदुल हो जाएगा, कुछ चीज़ें नई आ जाएंगी, कुछ पुरानी साकित हो जाएंगी। ये पुरानी चीज़ों का साकित होना ये कहलाता है नासिख होना, नासिख हो मनसूख का मसला, कि वो हुक्म मनसूख हो गया और उसकी जगह पर कोई और हुक्म आ गया है।
या तो अल्लाह ताला तायुन के साथ मंसूख फरमाते हैं या ये कि उस शय को सिरे से लोगों के जहनों से जाहिर कर देते हैं। एतराज ये कर रहे थे यहूदी कि अगर तो ये दीन वही है जो मूसा का था तो जाहिर बात है कि फिर शरीयत पूरी वही होनी चाहिए। उसके एतराज का जवाब है जो यहां दिया जा रहा है और यही मसला फिर कुरान में भी है। कुरान की भी तदरीज के साथ शरीयत की तकमील हुई है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, शरीयत का ब्लू प्रिंट आपको सूरह बकरा में मिल जाएगा आगे चलकर, लेकिन शरीयत की तकमील हुई है सूरह मायदा में। यह जो तकरीबन 5-6 साल का वक्फा है, इसमें कुछ अहकाम शुरू में दिए गए, फिर उनमें रद्दो बदल करके, और फिर आखिर में अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। तो यह नासिक व मनसूख का मसला सिर्फ साबिका शरीयतों और शरीयत मुहम्मदी में नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि खुद शरीयत मुहम्मदी में भी जमानी एतबार से इर्तिका हुआ है कि पहले शराब के बारे में हुक्म दिया गया कि इसकी मजर्रत ज्यादा है, गुनाह का पहलू ज्यादा है, कुछ फायदे भी हैं, बस। उसके बाद आया अगर शराब के नशे में हो तो नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब मत जाओ। थोड़े वायदा में आखिरी हुक्म आ गया, हाल अंतुम मुंतहून, अब बाज आते हो कि नहीं आते, हराम कर दिया गया। तो ये तदरीजन हुआ है। तो नासिख व मनसूख कुरान में भी है और नासिख व मनसूख कुरान और तौरात के माबेन भी है। तो हम नहीं मनसूख करते कोई आयत या भुलवा देते हैं उसको, ना के बखैर मिन्हा, हम उससे भी बेहतर ले आते हैं, औ मिस्लिहा, या उस जैसी ही। अलम तआलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अब यह कि यह तो अल्लाह की अथॉरिटी है, मालिकुल मुल्क वो है, दीन उसका है, उसमें वो जिस तरीके से चाहे किसी चीज के अंदर तब्दीली पैदा कर दे। अम तुरीदून अन तसअलु रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, क्या तुम ये चाहते हो कि सवाल करो या मतालबा करो अपने रसूल से भी उसी तरह के जिस तरह की बातें की गई थी मूसा से पहले। मतलब हम देख चुके हैं कि उनसे कहा गया कि हम नहीं मानेंगे जब तक कि अल्लाह को देखना ले आयानन, या इसी तरह के और मतालबे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किए जाते थे। यहां मुसलमानों को सिखाया जा रहा है कि उस रविश से बाज आओ, ऐसी बात तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद ये तबदली कुफर बिल ईमान फकद्दल्ला सवा सबील, जाहिर बात है ऐसी हरकतें भी अब मुसलमानों में से भी जो मुनाफिकीन उनमें शामिल थे वही कर रहे होंगे। इसलिए फरमाया कि जो कोई ईमान को हाथ से देकर कुफर को ले लेगा, यानी मुनाफिक क्योंकि दो तरफा होता है, अब इसका भी इम्कान होता है कोई यकसू हो जाए कुफर की तरफ, और इसका भी इम्कान होता है कि बिल आखिर यकसू हो जाए ईमान की तरफ। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक की कैफियत में जो मुब्तला है, इसके दो ये इम्कानात हैं। तो जो कुफर की तरफ जाकर मुस्तकिल तौर पर राहिब हो गया उसका जिक्र है। मन यतबद्दल कुफर बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील, तो वो तो सीधी राह से भटक गया। वद्द कसीरुन मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा, अहले किताब में से बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह लौटा कर ले जाए तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद, फिर कुफार बना दे। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी बिल्ली की दुम कट जाए तो वो ये चाहेगी कि सारी बिल्लियों की दुमें कट जाए ताकि वो कोई अलहदा से नुमाया ना रहे। तो वो चाहते थे कि ये चीजें जो हैं इनको वापस ले आया जाए, अहले ईमान को भी कुफर में ले आया जाए। हसद मिन इंद अनफुसिहिम, और ये उनका तर्ज अमल उनके हसद की वजह से कि क्यों ये नेमत जो है इनको दे दी गई। मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक, इसके बाद कि उन पर हक बिल्कुल वाजे हो चुका है, वो जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, किसी मुगालते में नहीं है, गलतफहमी में नहीं है। फाफू वस्फहू, ये बहुत अहम है मकाम। तो ऐ मुसलमानों, तुम माफ करते रहो और सरफे नजर से काम लो। इसका असल मतलब क्या है? अभी तो चूंकि मदनी दौर का आगाज हो रहा है, अभी कशमकश के और कशाकश के और मुकाबले के और तसादुम के बड़े सख्त मराहिल आ रहे हैं। चूंकि तुम्हारा सबसे पहला जो महाज है वो तो कुफार मक्का के खिलाफ है, सबसे बढ़कर वही आएंगे, तुम पर हमले करेंगे, जंगें होंगी, तो फौरी तौर पर ये जो आस्तीन के सांप हैं इनको अभी छेड़ो मत, जब तक ये पड़े रहे डॉर्मेंट इन्हें पड़ा रहने दो। एक वक्त आएगा, यहां यूं समझिए कि ये हुक्म दिया रहा है फिलहाल, फिलहाल इन्हें छेड़ो मत, इनके तर्ज अमल के बारे में ज्यादा तवज्जो न दो, फाफू माफ करते रहो, दरगुजर करते रहो,
और वसफहु कहते हैं, सफा कहते हैं एक तरफ का, ये सफा है ये वरक है। सरफ नजर कर लेना, देखा अनदेखा कर लेना, नजरअंदाज कर देना। हत्ता याती अल्लाह बे अम्री, यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। एक वक्त आएगा कि फिर मुसलमानों को गलबा आखिरी हासिल हो जाएगा, और जब जो ये बाहर के दुश्मन हैं उनसे तुम निपट लोगे, फिर यह कि इन अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ भी तुम्हें आप आजादी दी जाएगी कि इनको भी उनके कैफर किरदार तक पहुंचा दो। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वाकीमु सलात वातु ज़का, नमाज कायम रखो, ज़कात देते रहो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और जो कुछ भी तुम खैर में से, भलाई में से अपने लिए आगे भेजोगे, कोई माल खर्च कर रहे हो तो खर्च कहां हो गया, वो तो अल्लाह के यहां डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, उसे अल्लाह के पास पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, यकीनन जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। वकालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, अब देखिए जब ये नई उम्मत अब तश्कील पा रही है तो यहूदी और नसरानी जो एक दूसरे के दुश्मन थे मुसलमानों के मुकाबले में जमा हो गए। उन्होंने कहना यह शुरू किया, वकालू लन यदखुलल जन्नत, हरगिज नहीं दाखिल होगा जन्नत में, इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, सिवाय उसके जो या तो यहूदी हो या नसरानी हो। जैसे हमारे यहां भी होता है, अहले हदीस के मुकाबले में देवबंदी बरेली जमा हो जाएंगे, चाहे वो आपस में एक दूसरे के साथ जो भी उनका बैर है वो अपनी जगह है। इसी तरीके से अहले तशय्यो के मुकाबले में शायद और जो है अहले सुन्नत के लोग जमा हो जाए। तो एक कॉमन एनिमी जब आ जाता है तो फिर यह है कि वो लोग जिनके अपने अंदर बड़ी कंट्रडिक्शन है वो फिर एक मुत्तहिदा बहस बनाते हैं। वकालु लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, तिलका अमानियुहुम, ये लफ्ज दोबारा आ गया, ये इनकी ख्वाहिशात हैं, मनगढ़ंत ख्यालात हैं, इनकी विशफुल थिंकिंग है। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कहो उनसे लाओ कोई दलील अगर तुम सच्चे हो। दलील किताब से लाओ, कहीं तौरात में लिखा है ये, कहीं ये इंजील में लिखा है, जो तौरात और जो इंजील तुम्हारे पास है उसी में से दिखा दो ये लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ नहीं। अब यहां पर वो यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है, बला मन असलम वजहु लिल्लाह वहुवा मुहसिनुन, क्यों नहीं, हर वो शख्स के जो अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दे और वो मुहसिन हो, उसका रवैया सिद्क पर, सच्चाई पर, हुस्न किरदार पर मबनी हो, सर का झुकाना मुनाफिकाना ना हो, जुजवी ना हो कि कुछ माना कुछ नहीं माना। बला मन असलम वजहु लिल्लाह वहु मुहसिन फलहु अजरहु इंदा रब्बिही, तो उसके लिए उसका अजर महफूज है उसके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो हुज़्न से दो चार होंगे। यह दूसरी आयत है कि जिससे कुछ लोगों ने इस्तदलाल किया है कि ईमान बिन रिसालत जरूरी नहीं। अब देखिए उसका जवाब वही होगा, नंबर एक तो ये हर जगह पर सारी चीजें बयान नहीं की जाया करती, कोई चीज कहीं बयान की गई, कोई कहीं बयान की गई है। किताब को लेना है तो पूरी को पूरी एक किताब की हैसियत से, दूसरे ये कि ये सारा सिलसिला कलाम जो है जो दो ब्रैकेट्स के माबेन आ रहा है इसमें पहले से है, वहां मैनू बेमा अंजल तुम सद्दिकल्लिमा बाकू मला तकून अव्वला काफिरिन भी, तो वो तो जर्म खा रही है इस पूरे के पूरे मजामीन के सिलसिले से जो इन दो ब्रैकेटों के दरमियान आ रहा है।